एक तरफ सरकार की ओर से बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास एवं बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रांची वासियों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महागठबंधन लगातार बिजली पानी को मुद्दा बनाकर रघुवर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी इन समस्याओं से परेशान है। राजधानी रांची के जनप्रतिनिधि, वो सांसद हों, विधायक हों अथवा नगर निगम की महापौर, सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अब तक पानी और बिजली की समस्या को दूर करने में सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है। आज राजधानी में नहीं, पूरे झारखंड में जो पेयजल की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिजली की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 7 तारीख को हम लोग अलवा टेका चौक पर उतला राघवर सरकार का जलाकर हम लोग मांग किए थे कि एक हफ्ता के अंदर रांची की जनता, जो रांची के 53 वार्ड की जनता को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। बिजली का वही स्थिति है, शहर का साफ सफाई का वही स्थिति है। 10 दिन बाद बरसात आ जाएगा, 10 दिन बाद बरसात के बाद पूरा रांची शहर डूबने की स्थिति में है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आज यहाँ पर हम लोग नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि यह रघुवर सरकार, अगर जरा से तुम्हारे में शर्म है, नैतिकता है, तो जो देश की जनता ने मैंडेट दिया है उसके नाम पर आप लोग इस्तीफा दो। यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर बीजेपी का, नगर विकास मंत्री बीजेपी का, रांची का सांसद बीजेपी का, उसके बावजूद रांची की जनता प्यासी है, ये शर्म की बात है। इन लोगों को जरा सा नैतिकता है तो नैतिकता के नाम में अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि पेयजल संकट बढ़ जाने से गर्मियों की छुट्टी में बच्चे भी अब पढ़ाई छोड़कर पानी भरने में लाइन में लग अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं। कई मोहल्ले के बोरिंग फेल हो जाने से नगर निगम अब हर वार्डों में पानी पहुंचाने में कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रहा है। मॉनसून भी आने में देर कर रहा है, ऐसे में राजधानी वासियों को कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।